हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 70 की ग्राफ गांजा कीमत लगभग 8 लाख रुपए व तस्करी में प्रयुक्त निशान सन्नी गाड़ी बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का मादक पदार्थ तस्कर है, जो पूर्व में भी थाना पिलखुवा व जनपद गौतम बुद्ध नगर से जेल जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। हापुड़ से संवाददाता अनिल अग्रवाल की खास रिपोर्ट। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा बरामदगी की गई, क्या बरामदगी, उसमें कितने गिरफ्तार है? देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 70 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके पास से एक निशान सनी गाड़ी भी बरामद हुई है, जो कि तस्करी में प्रयुक्त थी, और इसके साथी जो थे वो भी वांटेड हैं, जो कि फरार हो गए। और साथ ही साथ ये जो तस्कर है, ये प्रोफेशनल तस्कर है गांजे का और NDPS अवैध मादक पदार्थों का। इसके ये पहले भी थाना पिलखुवा और कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर नोएडा से पहले भी जेल जा चुका है। इसके बाकी जो तस्कर है, कहाँ से गांजा लाता था और किन किन जनपदों में सप्लाई करता था, क्या पता पड़ पाया पूछताछ में? इसमें अभी जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये अलीगढ़ से गांजे को लेकर मेरठ जा रहा था, और जब ड्यूरिंग चेकिंग इसको पकड़ा गया। जिसके साथी फरार हुए, कितने और साथी इसके साथ थे? इसके साथ 2 लोग और थे, जो कि इसके साथ ही थार गाड़ी में आ रहे थे। चेकिंग के बाद में हमें जब जानकारी के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई, अब वो वांटेड है और पुलिस उनकी देख रही है, पूछताछ कर रही है उसकी।